अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हकीम मोहम्मद यूसुफ़ अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम यूसुफ़ अमान। तो मैं आज ज़ाफ़रान के हवाले से आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ज़ाफ़रान को हिंदी में केसर कहते हैं, अरबी में ज़ाफ़रान कहते हैं, बंगाली में जाफ़रान कहते हैं, अंग्रेज़ी में सैफ़रान कहते हैं। इसका पौधा प्याज की मानद 1.5 फुट ऊंचा होता है। सितंबर और अक्टूबर में इस पर फूल लगता है। फूलों को सुबह के वक्त थोड़ा तोड़ा जाता है जबकि वो नीम वाला हो जाता है, यानी कि उसका जो फूल है सुबह के वक्त वो थोड़ा नरम होता है, इसलिए वो बिखरेगा नहीं। और इनको धूप में चटाइयों पर बिछा कर फूलों के अंदरूनी रेशे को अलग कर लिया जाता है। 77 पाउंड ताज़ा फूलों से सिर्फ 1 पाउंड ज़ाफ़रान निकलता है और 1 एकड़ ज़मीन की पैदावार से 50-60 पाउंड ताज़ा ज़ाफ़रान हासिल होता है, जो सूख कर 10-11 पाउंड खुश्क ज़ाफ़रान रह जाता है। ज़ाफ़रान का कश्मीर का ज़ाफ़रान ताज़ा होता है, बशर्ते का इसमें खोट ना हो, यानी कि ओरिजिनल हो। इसका जो रंग होता है वो जर्दी मैल होता है, जर्द सुर्ख मैल होता है। इसका जो जायका है तलख और खुशबूदार होता है, थोड़ा कड़वा होता है और खुशबूदार होता है। मिजाज गर्म और खुश्क भी होता है। 2 चावल से 2 रत्ती तक इसकी मकदार खुराक ली जाती है। ये क्वेटा के इलाके में और कश्मीर के गिर्द नवा और स्पेन में इसकी पैदावार होती है। ये काबिज़ मुहल्लल मुहर्रक यानी कि पट्ठों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तशंज की बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, पेशाब खोलने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हैज़ की बंदिश के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, दिल की घबराहट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, दिमाग को और दिल को कुव्वत देती है, जिगर को कुव्वत देती है, मादा को पुख्ता और मोतदिल कवाम करती है। इसका जमाद वरम रहम और जिगर को तहलील करता है, यानी कि अगर जिगर को कोई मसला होता है इसका लेप बनाकर, दूध में मिलाकर लेप बनाकर जिगर के ऊपर लगाते हैं, इसके ऊपर लेप करते हैं, जमाद करते हैं, तो जिगर तहलील जिगर जो है वो बिल्कुल काम करने लग जाता है। खल्त के सड़ जाने और बदबू की असलाह करता है, कुव्वत बेनाई को ताकत देता है। तकवीत बाद के लिए मरक्कबात में बेकसरत इस्तेमाल होता है। मर्दाना कमज़ोरी के जितने नुस्खे हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इसका सूंघना सिरसाम को मुफीद देता है। रंग रुखसारा को साफ करता है, यानी कि चेहरे पर इसका जमात करने से चेहरे को साफ मलयम कर देता है। अगर नारजील में रखें तो पेशाब जारी कर देता है, यानी कि इससे पेशाब जो बंद होता है उसे भी जारी करता है। विलादत के वक्त भी इस्तेमाल के लिए खिलाते हैं। इसका जुशांदा या खिसांदा की सूरत में इस्तेमाल नहीं करते। 1.5 माशे ज़ाफ़रान 1 छटाक गाय के दूध में हल करके कपड़े में छान कर पिलाने से बिला तकलीफ़ हैज़ खोल कर आता है। हैज़ की बंदिश और तशंज रहम में मुख्तलिफ़ हबूब में इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ की बंदिश के लिए इसकी टेबलेट बनाकर, गोलियां बनाकर, मुख्तलिफ़ अज्जा मिलाकर ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही ज़ाफ़रान को गुल सुर्ख, कफूर और बुस्त वगैरह के साथ मिलाया जाता है ताकि ज़ाफ़रान इन दवाओं के नफूज में इमदाद करे। अगर घरेलू परिंदों को कोई बीमारी लग जाए तो इसके लिए ज़ाफ़रान के चांद रेशे जो हैं वो पानी में डालकर उनको पिलाया जाता है। ये इस तरह 1-2 रेशे, चांद रेशे जो हैं 3-4 रेशे
ये पानी में घोल कर परिंदों को भी पिलाते हैं। और ख़ास तौर पे जिन औरतों को यानी कि हैज़ का मसला हो, हैज़ की बंदिश हो, तो इसके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। इसका जुशांदा बना लें या वैसे खा लें, तो दारचीनी के साथ इसका कावा बनाकर इसके इस्तेमाल करें, तो हैज़ जो बंदशुदा हैज़ है, हैज़ की बंदिश है, वो दुरुस्त हो जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।